Hello students, today we will do lab activity to verify that in a triangle, the line joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and half of it by paper folding and pasting. We are going to verify midpoint theorem. Prerequisite knowledge for this activity. Before performing the activity, you must know concept of angles, triangles and midpoints. And you must also know concept of corresponding angles, that if a transversal cuts two straight lines such that their corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Materials required for this activity are white sheet of paper, glaze papers, a pair of scissors, geometry box, tracing paper or carbon paper, and adhesive fevicol or gum. Procedure. First step, draw a triangle ABC on the glaze paper of any measurement and paste it on white sheet. Step 2, find midpoints of two sides, say AB and AC, of a triangle by paper folding. We obtain D and E as the midpoints of AB and AC respectively in triangle ABC. Then draw horizontal line DE. Similarly, find midpoint of side BC and name it F as shown in the figure. As you can see here, midpoint of AB is D, midpoint of AC is E, and midpoint of BC is F. Next step, trace the triangle ABC on another glazed paper and cut triangle ABC along line DE, and then paste this cutout of triangle ADE on triangle ABC such that AE coincides with EC and ED lies on CB and point D coincides with F as shown in figure 2, like this. Here you can see that the triangle ADE completely covers triangle EFC. प्रोसीजर में आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक कलर शीट लेके इस तरह से ट्रायंगल ABC कट कर लेंगे. उसके बाद AB को फोल्ड करके साइड AB को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम AB का मिड पॉइंट D निकाल लेंगे. इसी तरह से हम AC को फोल्ड करेंगे और AC का मिड पॉइंट E निकाल लेंगे. इसी तरह से हम BC को फोल्ड करेंगे और BC का मिड पॉइंट F निकाल लेंगे. ठीक है, इनको मार्क कर लेंगे और इस ट्रायंगल को इस तरह से हम वाइट शीट पर पेस्ट कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम ट्रायंगल ABC की एक कॉपी और बना लेंगे. ठीक है, उसके बाद जो पहले हमने ट्रायंगल बनाया था ट्रायंगल ABC, उसमें से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो DE है उसको हमने यहाँ पे मार्क किया था DE. ठीक है, तो DE को हम इस तरह से मिला लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब इस ट्रायंगल ADE को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे. और इस ट्रायंगल ADE को कट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है. तो यहाँ पे हमें इस तरह से पेस्ट करना है कि जो ट्रायंगल ADE है उसका जो वर्टेक्स A है, ठीक है, वो यहाँ पे किसके साथ कोइंसाइड करेगा, E के साथ. इसी तरह से ट्रायंगल ADE का जो वर्टेक्स D है वो यहाँ किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, पॉइंट F के साथ. ठीक है, और जो वर्टेक्स E है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्टेक्स C के साथ. यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल ADE हमने ऊपर कट किया दूसरे वाले कॉपी से, ठीक है, वो यहाँ पे किसके इक्वल है, ट्रायंगल EFC के. ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू ट्रायंगल EFC. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल 1, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल था और यहाँ पे वो क्या है, एंगल 2 के इक्वल है. यहाँ पे ये है एंगल 1 एंगल E और यहाँ पे है एंगल 2 एंगल C. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है. और क्योंकि ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ पे DE एंड BC इन दो लाइंस को, ठीक है, ट्रांसवर्सल AC क्या कर रहा है, कट कर रहा है. तो यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हैं. एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल टू है उसके ऊपर ही एंगल वन है, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि जो लाइन डी ई और जो लाइन बी सी है वो क्या है, पैरेलल है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे प्रूफ हो गई कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है डी ई वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा जो एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, और जो यहाँ पे जो डी ई है वो क्या है, एफ सी के इक्वल है। जो डी ई है वो क्या है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है एफ सी के इक्वल है। और जो एफ सी है वो क्या है, बी सी का हाफ है, क्योंकि एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है जो डी ई है वो क्या है, हाफ ऑफ बी सी है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ it. Now observation, we observe that the triangle ADE exactly overlaps triangle EFC. Here you can see that angle 1 is equals to angle 2 and angle 1 and 2 are corresponding angles. Since corresponding angles are equal, it means lines are parallel. It means GE is parallel to BC. And as we seen, F is the midpoint of BC that coincides with point D. It means DE is equals to FC as DE superimposes on FC. It means DE equals to FC that is equals to half of BC. Then result. Hence, it is verified that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Thank you.